देखिए, जब भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि तो आप सबको ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब भी जरूरत हो तो हमें कंपटीशन की तैयारी किस तरह से करनी है, इस पर हमारी क्लासेस चलेंगी। लेकिन हम कई बार कंटेंट के बारे में तो ध्यान रखते हैं, लेकिन ग्रामर के बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हमें जब तक लिखने की शैली नहीं आएगी, लिखने की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कंपटीशन के। आप कोई भी किसी तरह का आंसर लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर, तो उसके कहां कॉमा लगना है, कहां फुल स्टॉप लगना है, कहां पर आपको अच्छे शब्द इस्तेमाल करने हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, उन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, समाज शास्त्र में हम बात करते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, लड़का या लड़की, तो हम लड़का या लड़की का उपयोग ना करके हम छात्र छात्राएं, बालक बालिकाएं, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करें। हम स्त्री की जगह हम महिलाएं यूज करें, और इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम, जिसकी क्वालिटी हम थोड़ी सी सुधारें तो आपका उत्तर बहुत अच्छा होगा। जब भी हम लिखते हैं, आपने देखा है कि जो लाइन स्पेस है वो बहुत कम रहता है। कई बार जिसकी बहुत खराब राइटिंग आती है, खराब राइटिंग वाले के साथ समस्या क्या है कि जो पढ़ने वाला है वो उसको कम नंबर देता है। अब एकदम से राइटिंग में सुधार नहीं हो पाएगा, तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका यह है कि आप अपने शब्दों को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखें। शब्दों को अगर बढ़ा करके लिखेंगे तो उसका ये फायदा होगा कि जो आपकी जो खराब राइटिंग है वो भी स्तर की और अच्छी राइटिंग नजर आने लगेगी। एक लाइन में आप कम से कम शब्द लिखें, अगर आप अभी 10 लिखते हैं तो आप उसको 6 करिए, 7 करिए, लेकिन थोड़ा सा साफ सुथरा और थोड़ा सा बड़ा अक्षर लिखेंगे तो किसी भी तरह के एग्जाम में आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। ये आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी मान के चलिए या फिर कंपटीशन एग्जाम के भी मान के चलिए। आजकल ये होता है कि कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां डिस्क्रिप्टिव भी आता है, आप आरएस देते हैं, आईएस देते हैं, या उसके अलावा और भी कोई एग्जाम है, तो जहां डिस्क्रिप्टिव आता है वहां इस जो ग्रामर है, जो हिंदी है या इंग्लिश है, उस पर आपको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अब आप इसके लिए आप ग्रामर की किताब, जो भी आपको सूट करे, जो भी आपको ठीक लगे वो पढ़े, अन्यथा आप जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, वो अगर आप रोजाना पढ़ते हैं, हिंदी का एक पेपर, इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर, या हिंदी के दो न्यूज़पेपर अगर आप रोजाना पढ़े, आपके घर में आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो लाइब्रेरी है इसमें सब आपको सारे पेपर, कम से कम 10-15 पेपर आएंगे, तो आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप लाइब्रेरी जाइए, आधा घंटे, पौन घंटा, एक घंटा, जब भी आपको बीच में टाइम मिले तब आप वो लाइब्रेरी जाकर के आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर से ये फायदा होगा कि आप बहुत सारे जो नए शब्द हैं उन नए शब्दों का ज्ञान होगा, और आपको अच्छे शब्द चुनने की आवश्यकता होगी। इसी संदर्भ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एक अपने टाइम फिक्स करें कि मेरे को ये वाला जो टाइम है इसमें लाइब्रेरी जाना ही है। आप एक जब रूटीन बनाएंगे, रूटीन बनाए से ये फायदा होता है कि आप वो चीज मिस नहीं करते, वरना ये है कि कभी आप जा रहे हैं कभी आप नहीं जा रहे हैं, उसका भी एक बहुत
क्या कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन है आपका, कंसंट्रेशन लेवल है वो खराब होता है। तो आप वीक में 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, जो भी आप टाइम और डेट फिक्स करें, रेगुलर जाए और रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ें।